हाय लीडर्स, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब? और सरप्राइज है आज आप लोगों के लिए। मैंने सोचा बगैर इंटीमेट के हम लोग आपस में बातें करते हैं। हमेशा हम लोग काम करते हैं और उस काम के बदले में जब भी मैं अगर बात करूं तो हम लोगों ने हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल किए। मैंने आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले 3 साल पहले भी कुछ बातें आप लोगों से की थी। वीडियोस भी हैं, पोस्ट भी हैं, आज भी मैं वो बातें करने वाला हूँ। बहुत सारी और ऐसी बातें मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ जो शायद आने वाले समय में आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत 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 बधाई कि आज 20th है और अभी तक हम पिछले महीने के मुकाबले में करीबन 40% प्लस ग्रोथ पे चल रहे हैं। 40% प्लस की ग्रोथ के साथ ग्रो करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही शानदार अचीवमेंट कहलाई जाती है। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज 20th है और इस 20 तारीख को जिस तरीके से ग्रोथ, जिस तरीके से आप लोगों का मोमेंटम मुझे दिख रहा है, मुझे मालूम है ये महीना बहुत सारे लोगों के पेआउट्स को बहुत बड़ा करने वाला है। ये महीना बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लेके आने वाला है। ये महीना बहुत सारी चीज़ों को बदलने वाला है। ये महीना आप लोगों को एक नया रास्ता देने वाला है। ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये महीना बहुत अच्छा महीना है। ये महीना बहुत पावरफुल महीना होने वाला है। इस महीने में माता रानी के दिन हैं, नवरात्रे चल रहे हैं और माता रानी ने हमेशा मेहर की है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, हमारे लीडर्स इस महीने में घर परचेज कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स ने घर लिए हैं। बहुत सारी खुशखबरियाँ आने वाली हैं और ये खुशखबरियाँ हम लोगों को बट ऑब्वियस से मोटिवेट करती हैं, एक्साइटेड करती हैं। पर इस एक्साइटमेंट और मोटिवेशन के बीच में भी एक चीज़ जो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, वो आपके सिद्धांत, वो है आपके एथिक्स, वो है आपका कल्चर, वो है आपका नज़रिया, आपका विज़न। हम लोगों ने हमेशा कुछ ऐसी चीज़ों पे काम किया है जो इस इंडस्ट्री में बहुत पेनफुल थी, बहुत तकलीफदायी थी, बहुत लोगों को दर्द होता था। और वो बातें आज भी मैं जब करता हूँ तो मुझे महसूस होता है जो तकलीफ़, जो दर्द मैंने इतने साल इस इंडस्ट्री में रहते हुए देखा है, सोचा है, समझा है। मैं नहीं चाहता हमारी इंडस्ट्री में आने वाला कोई भी लीडर, आने वाला कोई भी डायरेक्ट सेलर, आने वाला कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उस पेन को ना झेले। अचीवमेंट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब आप ग्रो करते हो तो बहुत अच्छा करते हो और जब इस अच्छे में एक चीज़ और जुड़ जाती है, दूसरों का भला, तो वो अच्छा हकीकत में अच्छा हो जाता है। यानी कि कुछ भी करते हुए अपने टारगेट्स के लिए आपको बल्क सेल नहीं करना है, बल्क बाई नहीं करना है। आप जितना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, घर में कंज्यूम कर सकते हैं, या जितना प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, और जो आप प्रोडक्ट बेचेंगे, जितना प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं उतना ही प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। जो आपकी सेलिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदना है। जो आपके कंजप्शन है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदना है, ना ही अपनी टीम को खरीदवाना है। हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आपकी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस, आपके लोगों की सक्सेस के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ किसी के कंधे पे पैर रख के अपने कद को बड़ा करना सबसे बुरी चीज़ होती है। तो मेरे दोस्तों से, मेरे सारे कुलीग से, मेरे साथ काम करने वाले सभी साथियों से एक ही चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डू योर बिजनेस विद एथिक्स एंड ए गुड कल्चर।
आप अपने बिज़नेस को सही तरीके से करें, उसको करने का सही तरीका होना चाहिए। आप उतना ही बिज़नेस करें या अपनी टीम से करवाएं जो बिल्कुल जेन्युइन हो। मतलब किसी का घर गोडाउन नहीं बनना चाहिए, एक पैसे का भी एक्स्ट्रा परचेज नहीं होना चाहिए। खुशखबरी बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे हम लोग काम करते हैं। हमारी पहली है, लोगों के घर गोडाउन नहीं बनने चाहिए, पहली चीज़। जो इस इंडस्ट्री में 20-25 साल से मैंने देखा है, वो पेन नहीं होना चाहिए। बिजनेस एक दिन में नहीं होता है, एक साल में नहीं होता है, ये लाइफ टाइम बिजनेस है, और लाइफ टाइम बिजनेस को स्लोली बिल्ड करना होता है। चैलेंजेस हमेशा आएंगे, कल भी आते थे, आज भी आते हैं, आगे भी आएंगे। जिन लोगों के आज 40 लाख के पे आउट बन रहे हैं उनको भी चैलेंज आए हैं, जिन लोगों के आज 20 लाख के पे आउट बन रहे हैं उनको भी चैलेंज आए हैं, जिन लोगों के 10 लाख के पे आउट बने हैं उनको भी चैलेंज आए हैं। और हर बार चैलेंज के दौर में कुछ लोग बिखर गए हैं और कुछ लोग निखर गए हैं। उस दौर में भी लोग थे, उस दौर में भी ऐसे लीडर थे जो उनके समकालीन थे, जो उन जैसे थे, और कुछ लोग उनसे बढ़िया भी मानते थे, लेकिन वो चैलेंजेस फेस करने से डरते थे। इन लोगों ने चैलेंजेस को फेस किया, इन्होंने ग्रो किया। आप चैलेंजेस फेस करोगे, आप ग्रो करोगे। मतलब बहुत सिंपल सी लाइन में बोलना चाहता हूँ कि आपको एक चीज़ को समझना होगा, और वो चीज़ है आपको अपने बिजनेस में कंसंट्रेशन को कभी गायब नहीं होने देना, फोकस को कभी गायब नहीं होने देना। आपका बिजनेस जब तक आप फोकस्ड हो तब तक ग्रो करेगा, जिस दिन आप फोकस नहीं रहे ग्रो नहीं करेगा। दूसरी चीज़, हमेशा अपने बारे में नहीं, अपनी टीम के बारे में बात कीजिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बात कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको ऊपर लेके चलिए, उनको उनके टारगेट्स को प्लान कीजिए, अपने टारगेट को कभी प्लान मत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक एज ए कंपनी हम लोगों ने कभी भी कंपनी के टर्नओवर को कभी प्लान नहीं किया, हमने हमेशा प्लान किया हमारे लीडर्स के पे आउट कैसे ग्रो हों, उनके चेक कैसे बढ़ें, उनकी इनकम कैसे बढ़े। द सेम वे आपको हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए कि वो एम्पावर कैसे हो, उसके पास अच्छा पे आउट कैसे बने। और वो तब तक नहीं बन सकता जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, वो तब तक नहीं बन सकता जब तक आप उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, इनसे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हैं आपके सिद्धांत, इनसे भी कहीं ज़्यादा है आप कितना केयर करते हो अपनी टीम को, इससे भी ज़्यादा है आप कितना सही और कितना गलत तरीके से गाइड करते हो। बिजनेस सब कुछ नहीं है, बिजनेस सब कुछ नहीं है, ये याद रखना मेरे दोस्त। आपके आपसी रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी टीम में वही लोग हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। वो ट्रस्ट, वो विश्वास, वो भरोसा नहीं टूटना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, ग्रोथ दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी ग्रोथ और एक परमानेंट ग्रोथ। टेम्परेरी ग्रोथ वो होती है जो बाईपास से अचीव की जाती है, जो शॉर्टकट अपना के अचीव की जाती है, वो टेम्परेरी ग्रोथ होती है। लेकिन परमानेंट ग्रोथ सही रास्ते पे चल के मिलती है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो हार्ड वर्क से आती है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और मैं हमेशा कहता हूँ, प्रोसेस हमेशा गंदे होते हैं, प्रोसेस हमेशा टफ होते हैं, प्रोसेस हमेशा चैलेंजिंग होते हैं। आपने कभी कोई शर्ट बनते हुए देखी होगी, दर्जी पहले उस पर निशान लगाता है नीले पीले चौक के साथ, फिर उसको कैंची से काटता है, इधर उधर कतरने बिखर जाती हैं, और फिर जाके बनती है, फिर उसकी सिलाई होती है, फिर उसकी धुलाई होती है, तब जाके बनती है एक खूबसूरत शर्ट। प्रोसेस बहुत गंदा होता है, पहले गेहूं निकालो, आटा पीसो, चक्की में पीसा जाएगा, फिर वो छाना जाएगा, फिर वो गूथा जाएगा, फिर वो बेला जाएगा, फिर वो तवे पे जाएगा, फिर वो गरम तवे पे रहेगा, उसके बाद उसे पलटा जाएगा, तब जाके बनती है एक चपाती। एक चपाती बहुत खूबसूरत होती है, एक शर्ट बहुत खूबसूरत होती है, पर उनको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत खूबसूरत नहीं होता। इसलिए एक अचीवर बनने का प्रोसेस भी बहुत खूबसूरत नहीं होता, एक लीडर बनने का प्रोसेस भी बहुत खूबसूरत नहीं होता, एक जेन्युइन इंसान बनने का प्रोसेस भी बहुत खूबसूरत नहीं होता। इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, आपके ब्रेन को कन्फ्यूज करने वाले हज़ारों लोग आते हैं जो आपको हिला देना चाहते हैं, जो बदल देना चाहते हैं आपकी वो तकदीर जो आप बना सकते हैं अपने हाथों से, लेकिन वो आपको बताते हैं कि वो बनाएंगे आपकी तकदीर। यकीन मानना मेरे दोस्त, आपकी तकदीर सिर्फ आप बना सकते हैं। कोई बातें कर सकता है, दावा कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, पर आपकी तकदीर सिर्फ आप बना सकते हैं। और आपकी तकदीर तब तक बन ही नहीं सकती जब तक आप फोकस्ड नहीं हो, जब तक आप एथिकल नहीं हो, जब तक आप अपने से पहले अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते हो, अपने साथियों के बारे में नहीं सोचते हो, अपने कुलीग्स के बारे में नहीं सोचते हो। रिमेंबर वन थिंग, कभी भी बल्क सेल मत करना, कभी भी बल्क बाय मत करना। जितना कंजप्शन हो उतना ही प्रोडक्ट
परचेज करना, उतना ही प्रोडक्ट जितना आप बेच सकते हो उतना ही प्रोडक्ट लेना। ऑफर्स बहुत खूबसूरत थे, आगे भी बहुत खूबसूरत हैं, फोर्थ एनिवर्सरी की तैयारी है। और इन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे आज एक चीज़ पे प्राउड फील होता है कि हम लोगों ने 4 साल पूरे होने से पहले 10 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लीडर्स, 20 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लीडर्स, 30 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लीडर्स, 40 लाख के करीब कमाने वाले लीडर्स, 5 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लीडर्स किसी भी बड़ी कंपनी के मुकाबले में कहीं बेहतर स्थिति में क्रिएट कर लिए, डेवलप कर लिए हैं। और ये डेवलपमेंट का दौर है ना, अभी शुरू होना है। मैंने हमेशा कहा 2022, जैसे आज से मैंने लगभग 2.5 साल पहले एक चीज़ बोली थी कि 2020 में हमारे पास 5 से ज़्यादा लीडर 10 लाख कमाने वाले होंगे, उससे कहीं ज़्यादा लीडर आज हमारे पास है। वैसे ही आज मैं बोल रहा हूँ 2022 में 5 से ज़्यादा 1 करोड़ कमाने वाले लीडर्स हमारे पास होंगे, और कोशिश करेंगे उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास हों। हम इस इंडस्ट्री के रिकॉर्ड्स, प्रोडक्ट की सेल, जेन्युइन सेल कंज्यूमर को कनेक्ट करके करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करके नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलर तभी बड़ा बन सकता है जब उसके साथ कंज्यूमर एसोसिएटेड हो, जब वो आगे उसके पास जो एंड यूज़र है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो, वो उस प्रोडक्ट को लेके इतना स्ट्रॉन्ग फेथ रखता हो कि वो बोले सर आपका प्रोडक्ट इस महीने अगर नहीं आया तो तकलीफ में आ जाऊँगा, आपका प्रोडक्ट मुझे चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी अरेंज कराइए। और ये मैं देख रहा हूँ, तो डोंट यू वरी गाइस, KSM 66 वापस आ रहा है, गैनो कॉफ़ी वापस आ रही है, गैनो जिन कॉफ़ी आ रही है आपकी, और इस महीने में आपका गैनो लाइफ वापस आ रहा है, इस महीने में आपका जिनसिंग हम लॉन्च करने जा रहे हैं 30% एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ, जो हाईएस्ट इन द मार्केट होने वाला है। 30% के साथ हम लोग जिनसिंग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपकी ब्रेव किट की रेंज आने वाली है बिल्कुल पैटा अप्रूव्ड, पैटा सर्टिफाइड, डाइजेस्ट वेल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि छोटे पाउच में हम लोग 100 ml में लॉन्च करें। डाइजेस्ट वेल बहुत जल्द, डाइजेस्ट वेल की हमारी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गई है, नेक्स्ट मंथ में हम डाइजेस्ट वेल लाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट और आने वाले हैं जो प्रोडक्ट आपकी मार्केट को कहीं बड़ा कर देंगे, आपके टर्नओवर को कहीं बड़ा कर देंगे। इतने प्रोडक्ट्स के साथ अगर हम लोग ये टर्नओवर कर रहे हैं तो यकीन मानिए आने वाले अगले साल में हम लोग करीबन मिनिमम, बेयर मिनिमम मैं मान के चलता हूँ 60-70 प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। हम लोग फोर्थ एनिवर्सरी पे 30+ प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, और वो 30+ प्रोडक्ट्स लाजवाब होने वाले हैं, वो शानदार होने वाले हैं। इस बार जो चीज़ आने वाली है उसकी सेल मुझे लगता है, अगर हम लोग बात करें नई रेंज आने के बाद और नए ऑफिस बनने के बाद, वेयर हाउसेस बनने के बाद, इस टर्नओवर को अगर हम अगले साल में 2 गुना भी करते हैं या 3 गुना भी करते हैं, तो आप ये सोचिए कि आपके चेक 2-3 गुना अगले एक साल में होने के चांसेस बन जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे वैसे आप ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे वैसे हम ग्रो करेंगे, इसलिए हर वो प्रोडक्ट लाने जा रहे हैं जिससे आपकी सेल ग्रो हो। आपकी सेल ग्रो होगी तो आपका पे आउट ग्रो होगा, आपका पे आउट ग्रो होगा तो मोमेंटम बनेगा, मोमेंटम बनेगा तो कंपनी बड़ी हो जाएगी। यानी कि हर चीज़ सेल से शुरू होती है, और सेल प्रोडक्ट की होती है, ड्रीम की नहीं होती है, टीम की नहीं होती है, लीडरशिप की नहीं होती है, स्किल्स की नहीं होती है। फेस वैल्यू नहीं बेचनी है, प्रोडक्ट बेचना है। और यकीन मानना ऐसे 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 प्रोडक्ट आने वाले हैं फोर्थ एनिवर्सरी पे कि आपकी सेल 2-3 गुना जाएगी। मेरा मानना है, हमारा टारगेट है, हम जनवरी फरवरी मार्च जो टर्नओवर आज कर रहे हैं हम इसको डबल से ऊपर ले जाने के लिए कमिटेड हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मार्च जब हम क्लोज करें तो इस महीने में जो हमने टर्नओवर किया है हम उस महीने के डबल पे जाएं, ताकि मार्च तक जाते जाते हमारे लीडर्स के पे आउट बहुत बड़े हो जाएं और ग्रो करें। सो थैंक यू वेरी मच, लग जाइए आपकी टारगेट्स को लेके, पर कभी मत भूलिए कि उतना ही प्रोडक्ट परचेज करना है जितना आप कंज्यूम कर सकें, या उतना ही खरीदना है जितना आप बेच सकते हैं। किसी के भी घर पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, किसी के भी घर पे
किसी के भी घर में, कोई भी हो, प्रोडक्ट आपकी सक्सेस की चाबी है, प्रोडक्ट्स आर द कीज, ये चाबियां हैं आपके, और आपके प्रोडक्ट को ही आपको प्रमोट करना है। जब प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो हाँ, गैनोडेंट आने वाला है, सबसे बड़ी चीज़ गैनोडेंट टूथपेस्ट आने वाला है, बहुत सारे प्रोडक्ट, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर आने वाला है, नूडल्स आने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। इस बार फोर्थ एनिवर्सरी में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस फोर्थ एनिवर्सरी को मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैंने कहा था जब 10 लाख से ऊपर लीडर होंगे तो एनिवर्सरी मनाने का अपना एक मज़ा आएगा। तो इस बार मैं जान लगाने वाला हूँ इस एनिवर्सरी पे। मेरे पास जितना भी जो भी कुछ काबिलियत है इस फोर्थ एनिवर्सरी पे लगने वाली है, और हम लोग सब मिलके इसको बहुत ग्रैंड बनाने वाले हैं, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं, पे आउट्स और बड़े होने वाले हैं। ये महीना हकीकत में इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने वाला होगा। सो गाइस, कीप इट अप, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने क्या शानदार काम किया है, कितने ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। मैं देख रहा हूँ आज 20 तारीख को, पिछले महीने से हम लोग ऑलमोस्ट 40% ग्रोथ पे हैं, और ये ग्रोथ अगर हम अगले 10 दिन भी जारी रखते हैं तो ये बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आप लोगों के पे आउट में देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए लग जाइए, आपकी एनिवर्सरी भी आने वाली है, और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए हमारे पास तैयारियां भी बड़ी हैं, वजह भी बड़ी है। वो एक प्राउड मोमेंट होने वाला है हर एक ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। हम लोग मिलके इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। पर फिर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक ये कोरोना की दवाई नहीं आ जाती, आप 6 फीट का डिस्टेंस बना के रखिए, ग्लव्स पहनिए या सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए या साबुन से हाथ धोइए, पर आप ढिलाई मत कीजिए, आप केयरलेस मत होइए, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और सारी सावधानियां बरतिए, पर बिजनेस भी कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस आपकी अपनों को और आपको ग्रोथ के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इकनॉमी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपका परिवार इम्पॉर्टेंट है, आप इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए कोई भी लापरवाही ना करें, कोई भी जल्दबाजी ना करें, पूरी केयर के साथ, पूरे एहतियात के साथ काम करें। लव यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि हम इस महीने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे कि वो मार्केट में बाकी लोगों को मोटिवेट करेगा और बेहतर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।